Hi everyone, welcome back to another vlog. I hope you all are doing amazing. सो आज मैं अबीर को लाइब्रेरी लेके आई थी. हमारे घर के पास अनली लाइब्रेरी पड़ती है, मैं यहाँ पे इसको लेके आई थी. तो पहले हमारी हाफ एन आवर की म्यूज़िक क्लास थी जिसमें सारी मॉम्स अपनी बेबीज़ को लेके आती हैं एंड देन बैठ के सब सिंगिंग करते हैं और बुक रीडिंग करते हैं. तो वो हमारी अब फिनिश हो गई है. अब मैं ऐसी लाइब्रेरी का टूर ले रही थी बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड टू टेक यू नो बोरो सम बुक्स फॉर अबीर. तो ये टॉय सेक्शन है जहाँ से आप मेंबरशिप लेके अराउंड $40 एवरी ईयर की आप यहाँ से टॉयज़ बोरो कर सकते हो. यू डोंट हैव टू बाय एवरीथिंग बिकॉज बेबीज़ का इंटरेस्ट विद टाइम ख़त्म होता है टॉयज़ में. तो इट्स अ गुड आइडिया आप लाइब्रेरी से ले लो. एंड देन मैं ये बुक्स चेक कर रही थी, हार्ड टेक्स्चर्स बुक जो होती हैं. तो मैंने ज़्यादा इनके पास टेक्स्चर बुक्स नहीं थी पर मैंने 3-4 निकाली जिसमें टेक्स्चर बना हुआ है जिसमें यू नो बेबीज़ टच करके उनको फ़ील कर सकते हैं देखने के साथ साथ. सो इट इज़ अ गुड आइडिया. और मैंने बुक सेलेक्ट कर लिए हैं. अब मैंने अबीर को सुबह से फीड नहीं करा था तो मैंने यही लाइब्रेरी में एक कॉर्नर में बैठ के इसको फीड करा दिया. और सो मैंने ये बुक्स अबीर के लिए बोरो करी हैं, 2-3 बुक्स हैं और मुझे काफ़ी अच्छी लगी. आई एम नॉट श्योर कि इसको इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा लेकिन हमें उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इट्स अ गुड आइडिया कि हम उनको बुक्स दिखाएं और जितने टेक्सचर्स से इंट्रोड्यूस कराएं इट्स गुड फॉर देम. तो मैंने ले ली है. और यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरी में सेल्फ चेकआउट लगाया हुआ है जिसमें आप अपना कार्ड स्कैन करके लाइब्रेरी कार्ड स्कैन करके अपनी बुक्स बोरो कर सकते हो. तो मैंने वो कर लिया एंड देन मैं ये प्ले एरिया में आ गई जहाँ पे मैं अबीर को प्ले करा रही थी एंड ही वाज रियली एंजॉयिंग इट. And now we are heading home. Pranav हमें पिक करने आ गए हैं. So I was also waiting for Pranav to pick us up while I was you know exploring library. क्योंकि basically मैं half an hour के लिए activity के लिए आई थी and then मुझे libraries भी देखने का time मिल गया because Pranav was busy doing something. लेकिन अबीर ने बहुत इन्जॉय करा लाइब्रेरी आके. मुझे लिटरली रिग्रेट हो रहा था कि मैं उसको इतने दिनों से क्यों नहीं लेके आई क्योंकि ये एवरी वीक होता है ये एक्टिविटी. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एवरी वीक आओ बट एज मच एज यू कैन कम. सो म्यूज़िक एक्टिविटीज़ में आने का, सोशल एक्टिविटीज़ में आने का बेबीज़ को बहुत बेनिफिट होता है. एक तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, दूसरा वो अपने एज के बेबीज़ में मिलते हैं तो सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं. प्लस मॉम्स को भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज़ यू सी अदर मॉम्स जो सेम एज ग्रुप की बेबीज़ को यू नो देख रही हैं तो यू कैन डिस्कस योर इशूज़ एंड सोशलाइज विद देम एंड मेक फ्रेंड्स.